नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। आज है घ्यू त्यौहार, सभी लोगों को घ्यू त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। सभी लोग सुखी संपन्न रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मित्रों, हम लोग तो पहाड़ों में आज ओग देहूँ ऊँची हमार जो इज बाबू लोहार ऊँची जो हमार दाथुल बढ़ोची कुटाऊ बढ़ोची फड़ू बढ़ोची तो वो लोग हम गले आज भोग दे होची। हम लोग उनका फिर चावल आटा प्रसाद जो भी हम लोग देते थे वो डलिया देके जाते थे, जिस डलिया में हम लोग घास काटेंगे और स्वर दी जाए। मित्रों, ये स्वर होची जैन हम अकोड़ा बीज निकाल छी। अब आजकल तो मिलते ही कहाँ है पहाड़ में, हम लोग गले में गछा लेते थे, खूब सारे अपने गले में रख लेते थे। जब अखरोट आज से खीर भी भर जाता अखरोटों में, और आज गडेरी पिनालू जिनने भी लगा रखे उनमें उगेर भी लगाते हैं, मतलब उनकी जड़ में मिट्टी भरते हैं खूब, उनमें भी घी भरता है या वो अच्छे बनते हैं करके। गाबे की सब्जी भी आज खाई जाती है। इधर हमारे बन रहे हैं, अभी दिखाते हैं पुए बड़े गाबे की सब्जी। आज के दिन घी भी खाया जाता है मित्रों, खूब घी आप लोग खाइएगा। नंतर कुनी की अगली जन्म में भी गणेले जाति में जानी जो भी कुनी, तो यह भी आज घी सपन का खाना जरूरी है। हालांकि पहाड़ों में तो लोग मेहनत करते थे, रोपाई करते थे, हरेले तक रोपाई खत्म होती थी। रोपाई खत्म होने के बाद हाथों में ये देखिए यहाँ पर कोहनी बिल्कुल खाल उतर जाती थी, घुटने की खाल उतर जाती थी, तब जाके घी लगाया जाता था उसमें। आजकल को करना मित्रों मेहनत, लेकिन घी खाना जरूरी भाई। घ्यू त्यौहार दिन जरूर घी खाइएगा आज। तो मित्रों, आज बन रही है घर में गावे की सब्जी, ये घ्यू त्यौहार, सभी को घ्यू त्यौहार की बधाई हो। इसमें आलू मूली गोभी तुरई जितनी सब्जियां होती है सब मिक्स करके, गाबा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाती हूँ गाबा। ये देखिए गाबा भी दिखाई दे रहा है, ये मिक्स सब्जी बनी है गावे की, लटपटी उन्हीं मिश्रों पहाड़ों में लटपटी सब्जी बनी है गावे की, सुंदर सी सब्जी बनी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, आप देखिए इसमें शिमला मिर्ची भी मिला रखी है, गाबे भी हैं, आलू हैं, टमाटर हैं, लौकी है, तुरई है, कद्दू है, जितनी भी 11 चीज मैंने मिला रखी है, 11 सब्जियों की सब्जी तैयार हो रही बन के। और इधर बन गए हैं, देखिए कितने अच्छे बड़े बन रहे हैं। आप देखिए जब श्राद्ध उराद होता है मित्रों उसमें तो बड़े कैसे बनते हैं, सिंगल की तरह उस तरह के बनते हैं जैसे पुए की तरह, लेकिन आज जो बनती हैं त्योहार में शुभ कार्य में ऐसे बनते हैं। हमारे जोशी जी बना रहे हैं, आप देखिए जोशी जी का हाथ दिखाई दे रहा है, अभी चेहरा दिखाऊं, चेहरा दिखाना है लेकिन अभी जोशी जी नहा धो के किचन में आ गए हैं। आप देखिए नहाने के बाद जोशी जी सीधे किचन में हेल्प करने के लिए लग गए हैं। ईजा को मैंने नाश्ता करा दिया है, इधर देखिए वो बन रहे बड़े, और इधर रख दिया है मंदिर के लिए मैंने, ये फटाफट पूरी भी बना रही। सबसे पहले मित्रों मंदिर के लिए रखा जाता है, उसके बाद ईजा को दे दिया, अभी मंदिर में भोग। इधर सब्जी भी मैं भोग में थोड़ा सा रख दूंगी, सभी भोग लगेगा। और अभी खीर बनने में टाइम है, पहले पूरी और बड़े इनका, फिर दाल चावल जो भी बनेगा बच्चों के लिए दिन में बनेगा, लेकिन अभी जो बन रहा है ये प्रसाद बन रहा है। मित्रों कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख लीजिए बड़े, ये बड़े अच्छे वो प्लेट मुझे दीजिएगा इधर को, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बड़े बना रखे हैं जोशी जी ने। मित्रों देखिए जोशी जी बहुत काम के हैं, बहुत काम के, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। आप देखिए कितने सुंदर बड़े बने हैं, ये देखिए फटाफट बड़े बन रहे हैं। पुए भी अभी बनेंगे, पुए के लिए मैंने आटा और घी सभी चीज़ मिला के रख दिया है। और इधर सब्जी, आज का छोटा सा ब्लॉग है ये। और जोशी जी ये घी का डब्बा भी मुझे इधर को दे दीजिए, मैं दिखा रही हूँ घी, अभी मैंने जो ताज़ा घी बनाया थोड़ा सा, तो ये भी आज खाया जाएगा मित्रों। ये घ्यू त्यौहार के दिन घी जरूरी खाना पड़ता है। ये देखिए घी भी तैयार हो गया बनके, ये अभी थोड़ा सा घी मैंने बना दिया इस समय, ये पहले बना था मतलब फ्रिज में रख दिया था, यहाँ इसमें भी पुए में इसमें डाल दिया है, तो ज़रूर आज घी खाना चाहिए मित्रों। हालांकि पहाड़ों में तो रोपाई में बहुत मेहनत करती थी औरतें, बहुत मेहनत, एक महीने की रोपाई होती थी आपके हरेले में, रोपाई ख़त्म होती थी तो उनके जो ये मित्रों ये हाथ है ना, ये हाथ के पीछे खाल उतर जाती थी, मतलब कोहनी में खाल उतर जाती, रोपाई लगाते लगाते कैसे वो रोपाई लगाते थे, तो घुटने में हाथ टेक के पूरा दिन जब रोपाई औरतें लगाती थी तो खाल उतर जाती थी हाथ के और घुटने की। तो पहाड़ों में एक ऐसा था कि जो घ्यू त्यौहार आएगा इस समय से निराई भी शुरू हो जाती रोपाई में, तो निराई के टाइम पे फिर बोलते थे कि घी हाथ में भी घुटने में भी घी लगाते थे, क्योंकि एक ये कुछ टोटके भी होते थे
तो मित्रों बहुत पहाड़ों में तो वहाँ की मैं क्या बात करूँ, बात करते करते मुझे रोना भी आ रहा है। कितनी मेहनत हम लोग करते थे, हम लोग बड़ा ऐसा हर समय त्योहार का जैसा माहौल ही रहता था। खेतों में जाओ कहीं से, ओ चाची, ओ ताई, ओ काक, ओ जड़जा, ओ बुआ, ऐसे आवाज़ें आती थी। ओ भगवती जा, ओ पुष्पा आई जा, ओ कमला आई जा, ऐसे मतलब बहुत एक दूसरे को आवाज़ें लगाई जाती थी। ओ महेश आई जा, ओ दिव्य जा, सब हमारी ताई जी चाची जो हमारे नज़दीक रहते थे उनको आवाज़ें लगती थी और वो मेरी मम्मी को आवाज़ लगाएंगे। तो बहुत अच्छा ये रहता था माहौल मित्रों। खेत में भी इतनी रौनक होती थी, जो हमारे खेत में मेहनत करते थे उनको ओ रमदा, ओ गुसेदा, ओ ये करके हम आवाज़ लगा के बहुत बहुत ही मतलब इतना अच्छा माहौल है। लेकिन मित्रों आज कहाँ वो सब देखने को, अब तो घर के अंदर ही इंसान रहता है, कुछ भी कुछ कह नहीं सकते। पहाड़ों में भी अब सब पलायन हो चुका है, कौन पहाड़ में रह रहा है, कोई घर होंगे पहाड़ों में। तो मित्रों रीति रिवाज तो यहाँ भी सब हम करते ही हैं, ये जो हमारा पहाड़ी कल्चर है वो हम सब करते भी हैं, दिखाते भी हैं। जैसे हरेले में भी हम सब कुछ करते हैं, आज भी जो हमारा दादा परदादा से जो हमारी पीढ़ी चलती आई है अभी हम लोग करेंगे, तो आगे हमारे बच्चे भी अगर समझदार होंगे तो सीखेंगे, ये सब त्यौहार याद भी रखेंगे। तो मित्रों ये सब बातें बहुत अच्छी भी लगती हैं। पहाड़ में तो आज घ्यू त्यौहार के दिन बहुत ही रौनक होती है। स्वर, मैंने आपको बोला स्वर लोणता आते थे, और हमारे जो हलिया होते थे, हल जो हमारे खेत में करते थे, वो हमारा घर का बच्चे की तरह ही होता था। तो मित्रों आज मुझे बहुत याद आ रही पहाड़ की, बहुत ज़्यादा याद आ रही। हम लोग इतना खुश होते थे, इतना खुशी से हम लोग, जैसे रोपाई ख़त्म होती थी तो हमें ये हरेले का इंतज़ार रहता था। हरेले के बाद हमें सीधे ये रहता था कि कब अब आ जाए घ्यू त्यौहार। घ्यू त्यौहार के दिन हम बहुत खुश होते थे। हमारे पहाड़ में जो हमारे रमदा और गुसैदा ये सब हमारे ओग लाते थे, उसमें डलिया लाते थे और स्वर लाते थे जिससे हम अखरोट के दाने निकालते थे। बहुत खुशी मित्रों, आज रोना भी आ रहा उन चीज़ों को याद करके। कहाँ वो दिन अब आते हैं, हम अपने गले में ऊन के धागे में उन स्वरों को, स्वर होते थे लोहे की छोटी छोटी कील जैसी होती थी, उसमें वो लोग मोड़े रहते थे उसे, तो तीखा उसे बनाए रहते थे अखरोट के बीज निकालने के लिए। तो एक घ्यूत्यार से हम लोग अखरोट तोड़ना शुरू कर देते थे। पापा एक एक बोरा अखरोट आंगन में खरीदते थे। हमारा अखरोट का पेड़ था लेकिन बहुत दूर था, उसमें से लोग ही खाते थे अखरोट, लेकिन पिताजी एक एक बोरा अखरोट खरीदते थे सब बेटियों के लिए, बेटियों को देने के लिए। तो बहुत हम लोग, तो मित्रों पहाड़ों की तो मैं क्या कहूँ मित्रों, मुझे इतना रोना आ गया अभी, क्योंकि बचपन इतना अच्छा बीता। अभी इस समय भी बहुत अच्छा टाइम बीत रहा है मित्रों, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन जो हमने बचपन में काम किया है मित्रों, हर चीज़ बहुत ही पहाड़ों में खुशी, मैंने बोला ना, ओ जेजा, ओ काकी, ओ ताई जी, ओ चाची, मतलब एक इतना अच्छा माहौल रहता था, ऐसा लगता था कि यही जिंदगी है आगे, मतलब इससे अच्छी और जिंदगी क्या हो सकती, ऐसा हमको उस टाइम पे लगता था। आज तो फिर ऐसा हो जाता था, ये घ्यू त्योहार के दिन तो इतनी भीड़ गांव में, लड़कियां मित्रों गाबे के कोई ओग देने वाले, गाबे की सब्जी, जिनके यहाँ ककड़ी लगी है, ककड़ी को अभी नहीं, ककड़ी को खतड़वा, अभी जो आएगा विश्वकर्मा दिवस आएगा 17 सितंबर को, उससे ककड़ी खाना शुरू कर देते। ककड़ी मतलब एक नियम होता था, ककड़ी में हाथ नहीं लगाई जाती थी, कद्दू वद्दू खा सकते, आज घ्यू त्योहार से कद्दू शुरू हो जाता है, और जो हमारे अखरोट हैं अखरोट भी आज से शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों बहुत अच्छा माहौल पहाड़ों में रहता था, बहुत आज बहुत याद आ रही। कुछ जोशी जी आप कहना चाहेंगे पहाड़ के बारे में, या कोई आपको जानकारी? जोशी जी के लिए तो उल्टी गणित है पहाड़, क्योंकि इनका जन्म यहीं हुआ है, इनने कभी ये सब कुछ देखा भी नहीं है, ऐसा माहौल भी इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ये कमरे के अंदर बचपन से कमरे के अंदर रहे, कमरे के अंदर ही ये आज थोड़ा मुझसे ये बात कर लेते हैं, बोलूँ तो तभी उत्तर दे पाते, नहीं तो ये ऐसे ही साइलेंट रहते हैं, आपने देख ही लिया है। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा मित्रों पहाड़ में, चारों तरफ प्रेम प्यार ही देख रखा, प्रेम प्यार देख रखा पहाड़ों में। वो माहौल मित्रों आप कभी मिल नहीं सकता, जो प्यार, स्कूल भी जाते थे भाई बहनों की तरह रहते थे सारे, और सहेलियां हम लोग ग्वाला जाते थे, एक एक झोला भर के हम आड़ू ले जाते थे अपने पेड़ों से। हाँ मेरी मम्मी एक दिन फोन आया था, इधू आर पाक रही करके, मैंने कहा जा तुम खाओ तो आने, गोपन वाल सब ली जानी जे
तो हम आरू एक एक झोला भर के तो ग्वाला ले जाते। मेरी सहेली भी है यहाँ रुद्रपुर में, हमारे पहाड़ में, गोपी, वैसे मुन्नी अभी उनसे बोलते हैं गोपी, परसों गोपी का मेरी मित्रों बात रची, गोपी पुणाची सीला कदू आर तुम वहाँ बटी, हम गाँव ले जाने भैया कदू हम लोग गाँव का। तो हमारे परिवार में कोई मना ही नहीं होती थी, आप आड़ू खाओ, नाशपाती खाओ, तिमिल मित्रों, यहाँ जो अंजीर हम कह रहे हैं अंजीर कितना महंगा मिलता, हमारे घर में तिमिल के कम से कम 20 पेड़ है मित्रों, कौन खाए, सब ये जंगली जानवर, या जंगली जानवर वहाँ पर बंदर वंदर तो आते नहीं है, जैसे कौए हुए ये सब जो भी वो होते जंगली चिड़ियाएँ होती, मैं उतनों का नाम नहीं, शिटोई कुनी या कौआ जो ले होनी वो खा जानी, और चुतराओ पहाड़ों में हो मित्रों, चुतराओ तो सब खा जाची, वो हम बड़ डाली ले खा जाची चुतराओ, आपने अगर देखा है चुतराओ जानते हो तो जरूर, नेवले की तरह ही होता है चुतराओ भी देखने का, सॉल बोलते हैं सॉल, ये तिमिल मिल तो नहीं खाता था, लेकिन आजकल गडेरी अगर आपने मक्के लगा रखे तो वो गडेरी को भी उखाड़ के खा जाता था, मक्के तोड़ के खा जाता था, गन्ना भी खा जाता। तो मित्रों ये होता था पहाड़ का जीवन, बहुत सुंदर जीवन था पहाड़ का, लेकिन क्या करें आज बहुत याद आ रही मित्रों। आप लोगों ने भी किसी ने अगर घ्यू त्यारे दिन घ्यू खा रखो, गाबर सब्जी खा रखी पहाड़ में, या तुम लीजिए कोई ओग दी हूँ आई स्वर क्या कहते थे, हम तो स्वर ही बोलते थे उसे, गाउन लग गछे राख छा हम उकर लुआ घूची, अगर तुम लोगों ले दे रख छा जबर जरूर मेरे कमेंट कर पे बताइए, और सबों का घ्यू त्यारे बधाए, जय जी तुमने सबों का नमस्कार कर दो, ये ड्यूटी में रूनी हंसी तो इनको आती ना, थोड़ा हंस दो मुस्कुरा दो कुछ तो बोलो, सभी को नमस्कार करो। तो जोशी जी बोलते नहीं है ज्यादा, सभी को आशीर्वाद दे रहे, छोटों को आशीर्वाद दे रहे, बड़ों से जोशी जी आशीर्वाद ले रहे, तो सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी को घ्यू त्यार की बधाई बहुत बहुत मित्रों। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, सभी को मेरा प्रणाम।